गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार गुप्ता ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर चंद्रांश में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज रीजनिंग का जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है कैलेंडर, जिसका पार्ट वन मैंने आपके सामने लेकर आया हूं। आइए देखते हैं आज पार्ट वन में कि कैलेंडर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कोई डेट दे दिया होता है और पूछा जाता है कि डे क्या होगा। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैलेंडर को सीखने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जिसको हमें बिना समझे जो है कैलेंडर के कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइए, कैलेंडर एक्चुअल में करता क्या है? कैलेंडर जो है एक्चुअल में टाइम बताता है। क्या बताता है? और टाइम किस में बताता है? तो टाइम बताता है डे और डेट। प्रश्न कैसे पूछता है? आपको जो है कोई डेट दे देगा, जैसे आज का डेट मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लीजिए आज का डेट है 3 फरवरी। ओके, 3 फरवरी 2019 को कोई डेट होगा, कोई डे होगा, डे मंडे से लेकर संडे तक कोई एक होगा, और इसमें से जो है आपको बताना होगा कि 3 फरवरी 2019 को कौन सा डे होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं। यदि मैं लूं 20 मई 2019, ठीक है, और आपसे यदि डे पूछता है, तो जैसे डे आज है मंडे, तो आपको कहीं ना कहीं जो है आप किस प्रोसीजर से इस डेट से आप डे निकालोगे, यही हम पूरे कैलेंडर में पूरी प्रतिक्रिया को हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि कैसे कोई डेट दे करके आप आसानी से उस डेट को डे कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहला टाइप जो है आप सीखोगे कि डे कितने होते हैं। डे कितने होते हैं? डे होते हैं 7, जिसका नाम होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। दोस्तों आप क्या करोगे, यहाँ हमने कोड कर लिया। देखो, पूरा मंडे लिखने से बेटर है ना, हम जो है पूरे दिन को कोड कर लेते हैं कि यदि हम 1 नंबर दिए तो आप मंडे समझना, 2 नंबर दिए तो ट्यूसडे, 3 नंबर दिए तो वेडनेसडे, और 4, 5, 6 और 7 या 0। देखो, संडे एक ऐसा डे होता है जिसको कोड हम या 7 से करते हैं या तो हम 0 से करते हैं। एक बात बताना है दोस्तों कि डे यदि 7 डे को एक साथ मैं बोलूं कि 7 डे को एक साथ हम क्या और बोल सकते हैं, तो आप क्या कहोगे कि 7 डे मिल करके 1 वीक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 1 वीक बनाते हैं। स्टूडेंट्स, आप जो है अगर मैं 28, 29, 30 और 31 डे को अगर एक सम्मिलित करता हूं, तो वीक से मिलकर क्या बनता है? मंथ बनता है। ओके, मंथ कितने होते हैं? मंथ होते हैं 12, जो कि सबको पता होगा, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। दोस्तों आपको मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि कैलेंडर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है डे, और 7 डे से मिलकर बनता है 1 वीक, और 28, 29, 30 और 31 दिनों से मिलकर बनते हैं मंथ, और मंथ होते हैं 12। ओके, तो जनवरी से लेकर आपको दिसंबर तक आपको पता होगा। अब ये जानना है कि कौन सा मंथ जो है 28 का होता है, 29 का होता है, 30 का होता है, 31 का होता है। तो केवल एक मंथ को यदि छोड़ दिया जाए, फरवरी को, तो आपके सभी महीनों के जो दिन होते हैं या तो 30 के होंगे या तो 31 के होंगे। अब कैसे पता करोगे कि कौन सा मंथ 31 डेज का होता है और कौन सा मंथ 30 डेज का होता है? तो आपको क्या करना है, अपने हाथ की जो है मुट्ठी बांधो और इसमें जो है गिनो। अगर जनवरी से हम शुरुआत करते हैं, जो मंथ ऊपर आता है वो 31 डेज का होगा, और जो गड्ढे में आता है वो 30 डेज का होगा। ये एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन है कि कैसे आप महीने को पहचानोगे कि कौन सा महीना 30 का होता है और कौन सा महीना 31 का होता है। तो ये तो रहा आपको कैलेंडर की सबसे बेसिक यूनिट में बताने जा रहा हूँ कि मंथ क्या होता है, डे क्या होता है और वीक क्या होता है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि यदि मैं 12 मंथ को यदि मैं एक शब्द में बात करूं कि क्या होता है, तो इसे ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में वर्ष बोलेंगे। अब लोगों का क्वेश्चन होता है एक्चुअल में वर्ष होता क्या है, तो अब आपको वर्ष डिफाइन करने जा रहे हैं कि कैलेंडर में कुछ इतिहास है और कुछ ज्योग्राफी का इसमें कुछ पुट मिलता है, और वो क्या होता है कि ये देखो, ये हमारा सन है। पूरी कैलेंडर जो है एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पे बेस होती है, और ये हमारी पृथ्वी है। ओके, हमारी पृथ्वी जो है सन का एक चक्कर जितने समय में लगाती है उसी को बेसिकली हम एक वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक वर्ष बोलते हैं।
और एक वर्ष में टोटल यदि हम डेज में रिप्रेजेंट करें, एक वर्ष को यदि हम डेज में रिप्रेजेंट करें, तो आप लिखोगे 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट्स। ओके, यदि हम बात करें एक वर्ष क्या कहलाता है, तो आप बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में आप सामने वाले को समझाओगे कि एक वर्ष मतलब होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। चूंकि कैलेंडर में हम केवल दिनों को रिप्रेजेंट करते हैं और घड़ी में हम घंटों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कैलेंडर में केवल क्या किया कि 365 दिन को ले लिया और ये 5 घंटे 48 मिनट को नियर अबाउट मैंने 6 घंटा मान लिया और इसको छोड़ दिया। दोस्तों अब क्या करना है, एक वर्ष को ही यदि मैं दिन में रिप्रेजेंट करूं तो 365 दिन कहेंगे, अगर महीनों में रिप्रेजेंट करें तो 12 मंथ कहेंगे, यदि सप्ताह में रिप्रेजेंट करें तो 52 सप्ताह प्लस 1 डे। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको करना है वर्ष को हम तीन नाम से भी जाना जा सकता है या जानेंगे। क्या, यदि मैं 365 दिन बोलूं तो भी एक वर्ष, यदि मैं 52 सप्ताह एक दिन बोलूं तो भी एक वर्ष, और 12 मंथ बोलूं तो भी एक वर्ष। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आइए अब जैसे ही मैंने वर्ष के बारे में आपको बताया, तो वर्ष दो प्रकार के होते हैं। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष। अब साधारण क्यों नाम लिया, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साधारण वर्ष अब जैसे ही मैं साधारण वर्ष की बात किया, ओके, जैसे ही मैं साधारण वर्ष की बात किया, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, ठीक है। तो एक और वर्ष का जन्म कैसे हुआ और क्यों हुआ, उसको उसके बारे में मैं बताता हूं। देखो ये हमारी जो पृथ्वी थी, हमारा जो अर्थ है और सूर्य, ये जो सन है, एक चक्कर जो लगाता था वो लगाता था 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट। तो कहीं ना कहीं जो एक वर्ष में जो 6 घंटा बच जाता था, हर वर्ष 6 घंटा बचेगा, तो बच्चों एक वर्ष में फिर 6 घंटा बच गया, एक वर्ष में फिर 6 घंटा बच गया, और फिर जैसे ही एक वर्ष बीता और ये टोटल 4 वर्ष में 24 घंटा हो जाता है और 24 घंटे बराबर एक दिन होता है, तो उस वर्ष का जो हर चौथे साल आता है उसको मैंने नाम दिया लीप वर्ष या अधिवर्ष। ओके, जैसे ही मैं बोलूं अधिवर्ष क्या होता है, तो आप बताओगे 366 दिन का जो वर्ष होता है उसे हम लीप वर्ष बोलेंगे। साधारण वर्ष किसे बोलेंगे, जिस वर्ष में 365 दिन होगा वो साधारण वर्ष कहलाएगा, और जिस वर्ष में 366 दिन होगा वो लीप वर्ष कहलाएगा। अब आता है बात कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है। तो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं कि लीप वर्ष कैसे पहचानते हैं। बच्चों यदि मान लो कोई वर्ष दिया गया है, जैसे 2019, यदि सेंचुरी नहीं है, कोई वर्ष दिया हुआ है, तो लीप वर्ष तभी होगा जब ये लास्ट दो डिजिट या पूरा जो वर्ष है यदि 4 से डिविजिबल है, यदि 4 से पूरे वर्ष में यदि भाग चला जाता है और शेषफल 0 बचता है तो इस वर्ष को हम क्या बोलेंगे, लीप वर्ष। यदि नहीं जाता है तो इसको बोलेंगे हम साधारण वर्ष। तो आप बताओ क्या 2019 4 से डिविजिबल है, तो आंसर आता है नहीं, और नहीं तो 2019 कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं 2020, एग्जाम्पल लेते हैं 2020, और मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि क्या 2020 साधारण वर्ष है स्टूडेंट्स, तो आप बोलोगे एक मिनट सर, हमने 5 से काटा और ये कट गया, तो ये जो 2020 वर्ष था वो लीप वर्ष का लाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लीप वर्ष साधारण वर्ष में कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा वो आपको पता चल गया। अब आते हैं एक नए कैरेक्टर जिस पर पूरी कैलेंडर बेस होती है उसके बारे में सीखना, जिसका नाम होता है विषम दिन। जिसका नाम होता है क्या, विषम दिन। और विषम दिन होता क्या है, इसको इंग्लिश में हम ऑड डे बोलेंगे। और पूरी कैलेंडर स्टूडेंट्स
पूरी कैलेंडर जो बेस होती है इस बीसम दिन पर ही बेस होती है। और आपको जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ वो गणितीय मेथड है, जिसमें ना कोई फार्मूला है ना कोई सूत्र है। आप यदि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप किसी भी डेट से डे जो है आप विद इन 10 सेकेंड के अंदर जो है 100% निकालेंगे, और ये तभी हो सकता है जब आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला, कैलेंडर का जो ये टॉपिक है बीसम दिन, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीसम दिन होता क्या है? बीसम दिन की अगर मैं बात करूं तो एक्स्ट्रा डेज। इसको और मैं एक्सप्लेन करूं तो इसको और एक्सप्लेन किया जा सकता है इनकम्प्लीट वीक। ओके, इनकम्प्लीट वीक। इनकम्प्लीट को हम बोलते हैं अपूर्ण यदि सप्ताह है। जैसे क्या, यदि देखो कैलेंडर ऐसा ही आपके मोबाइल में या घर में दिखता है, क्या दिखता है देखो मैं बनाने जा रहा हूं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। आपको दिन कैसे भरते हो इसमें बताओ जरा, आप क्या करते हो? मान लो मैं 10 दिन को कैलेंडर में भरने जा रहा हूं, तो एक में तो 2 दिन डालोगे नहीं ना, आप क्या करोगे, एक 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 एक, ये क्या हो गया, 7 दिनों को मैंने भरा, और 3 को मैं कैसे भरूंगा, 1 2 3। तो आपको बस याद रखना है जो बीसम दिन होगा, ये जो अपूर्ण सप्ताह है या इनकम्प्लीट वीक है ना, इसी को हम बीसम दिन बोलेंगे। बीसम दिन कितने हो गए? बीसम दिन का मतलब होता है अपूर्ण सप्ताह, ठीक है, 3 आ गए। अब बच्चों एक बात बताओ, यदि मैं 1000 आपको डे को कैलेंडर में भरने के लिए दूं तो कब तक भरते रहोगे? इसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया। क्या बनाया? आप बुक्स में क्या पढ़ते हो कि बीसम दिन निकालने का फार्मूला होता है दिनों की संख्या और बटे में क्या, ओवरऑल हम 7 का भाग देते क्यों हैं? 7 का भाग देते क्यों हैं? ये जो सप्ताह होता है स्टूडेंट्स, इसको ही हम बाहर निकालते हैं। जैसा कि बीसम दिन एक्सप्लेन करता है कि एक्स्ट्रा डेज, ये 3 जो एक्स्ट्रा डेज आया है, इसी को पता करने के लिए हम जो है दिनों की संख्या में 7 का भाग देते हैं, और जो शेष बचता है, जैसे दिनों की संख्या यदि मैं 10 लूँ 7 से भाग दूँ तो कितना शेष बचा, ये 3 ही क्या कहलाता है, बीसम दिन कहलाता है। तो मैं आशा ये करता हूँ कि यदि आप बीसम दिन निकालना है दिनों में, तो आप क्या करोगे, 7 का भाग दोगे और जो शेष बचेगा वही क्या कहलाएगा, बीसम दिन। चलिए कुछ चीज़ें और बता देते हैं। अगर मैं बोलूँ मंथ ले लो, मंथ कितने का होता है, 28 का होता है, 29 का होता है, 30 का होता है, 31 का होता है। यदि हमें बीसम दिन निकालना है 28 दिन में कितने बीसम दिन होगा, 28 में 7 का भाग देंगे 0 शेष बचेगा, तो बीसम दिन संख्या 0, 29 में 1, 30 में 2 और 31 में कितना हो गया, 3। आपको ये नोट कर लेना चाहिए। ओके, अब मैं कहूँ कि पाँच सप्ताह 3 दिन, स्टूडेंट्स बीसम दिन बताइए, बीसम दिन। ओके, तो आप क्या करोगे, ओवरऑल क्या करोगे, 5 सप्ताह अपने आप जो है बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, 3 दिन। तो आपको जो है मैंने दिनों में बीसम दिन निकालना बता दिया, सप्ताह में निकाल दिया, महीनों में बता दिया। यदि मैं कहूँ 365 दिन में बीसम दिन बताइए, आप तुरंत क्या करोगे, 365 में 7 का भाग दोगे, 7 × 5 = 35 बच्चों, 7 × 5 = 35, 1 बचेगा 5, 7 × 2 = 14, शेष पर कितना बचा। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको यदि दिनों की संख्या दी गई है तो आप बहुत ही आसानी तरीके से बीसम दिन निकाल लोगे। स्टूडेंट्स अब जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, अब बीसम दिन निकालने सीखेंगे वर्ष में। क्या सीखेंगे, बीसम दिन सीखेंगे वर्ष में। स्टूडेंट्स आप अपने व्यवहारिक जीवन में देखना, जरूरी तो है नहीं ना कि आपको केवल दिनों में ही बीसम दिन निकालने को पूछे, आपसे महीनों में पूछ सकता है, वर्ष में पूछ सकता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो एक वर्ष में यदि मैं बीसम दिन की बात करूं, ओके, तो कितने होंगे, 1। कैसे आया, जैसा कि मैंने बताया कि एक वर्ष में 52 सप्ताह + 1 दिन होता है, तो ये तो बाहर चला जाएगा कैलेंडर में। एक्स्ट्रा डेज कितना बचा, 1 बचा। ऐसे नहीं समझ में आया तो 365 में अभी मैंने आपको भाग देकर सिखाया, शेष कितना बचा, 1। तो हमें डायरेक्टली सीखना है कि एक वर्ष में जो साधारण वर्ष है जो 365 का होता है उसमें बीसम दिनों की संख्या 1 होता है,
फिर से एक वर्ष की मैं बात करूं तो उसमें बिना विषम दिनों की संख्या एक, फिर एक बात करूं विषम दिनों की संख्या एक। यदि मैं डायरेक्टली आपसे पूछूं कि स्टूडेंट चलिए बताइए तीन वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, तो तीन होंगे। लेकिन याद रखना स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं चार वर्ष बोलूं, चार वर्ष में विषम दिन, चार वर्ष में जैसे विषम बोलूं तो चार वर्ष में चार तो साधारण वाले हो जाएंगे जो 365 के होते हैं, लेकिन हर चौथा साल लीप वर्ष कहलाएगा। क्यों? हर चौथे साल 24 घंटे बढ़ जाता है, मतलब एक दिन बढ़ जाता है, तो 366 का होगा उसमें एक बढ़ जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 5। आपको याद रखना है चार वर्ष में जो विषम दिनों की संख्या होती है 5 होती है। अब आइए फार्मूले की सहायता से मैं आपको बताता हूं कि कैसे विषम दिन वर्ष में निकालते हैं, तो नोट्स कर लीजिएगा। वर्ष में विषम दिन निकालना, वर्ष में विषम दिन कैसे निकालेंगे? देखो, विषम दिन बराबर, विषम दिन बराबर होता है वर्ष की संख्या प्लस वर्ष बटे में चार, और जितनी बार भाग जाए, जितनी बार भाग जाए, ओके, और बटे में क्या, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब इसको शॉर्टकट कैसे हम बनाए? ऑड डे बराबर, यदि वर्ष की संख्या को y मानो तो y हो गया y प्लस y अपान 4 अपान क्या 7। ये सब एक ही फार्मूला है। और छोटा यदि मैं करना चाहूँ तो देखो स्टूडेंट्स, ऑड डे बराबर क्या होगा? ईयर प्लस लीप ईयर। ईयर देखो, ये वाई में चार का भाग क्यों दे रहे हैं? लीप ईयर ढूंढने के लिए, लीप ईयर ढूंढने के लिए। तो मैं डायरेक्टली लिख दिया ईयर प्लस लीप ईयर और बटे में 7, और आपका ये फार्मूला, कोई भी फार्मूला लगा देना, चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, बात एक ही है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि एग्जाम्पल लिया कि हमें 10 वर्ष में हमें क्या निकालना है? विषम दिन। तो आप क्या करोगे, यहाँ देखो कितने वर्ष हैं, 10 लिख दिया। अब 10 में हम लीप वर्ष ढूंढेंगे, 10 वर्ष में दो लीप वर्ष आएगा, एक 4 और एक 8, तो कितने लीप वर्ष होंगे? 2। अब किससे भाग देंगे? 7 से। 10 दो कितना हो गया? 12। 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 5, और 5 ही क्या है? विषम दिन। ओके स्टूडेंट्स, तो आप जो है फार्मूले की सहायता से किसी भी वर्ष का विषम दिन आप आसानी से निकाल सकते हो। कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, और बताइएगा जल्दी से निकाल करके। जैसे मैं कहूँ 70 वर्ष, स्टूडेंट जैसे मैं 70 वर्ष बोलूँ, आप ऑड डे क्या करोगे? ऑड डे बराबर होगा 70 प्लस 70 बटे 4 और बटे में 7। कितनी बार जा रहा है? 4 का भाग दोगे तो 17 चौके 68 होता है, तो 70 प्लस 17 बटे में 7, ये 87 बटे में 7 हो जाएगा, और शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 12 का 7 का भाग देंगे तो 12 7 84 होता है, तो 3 जो है हमारा विषम दिन आ जाएगा। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है यदि वर्ष दे दे या दिन दे दे तो विषम दिनों की संख्या आपको आसानी से निकालने 100% आ ही गया होगा। अब आते हैं 99 वर्ष में। 99 वर्ष में यदि हम विषम दिन की बात करें, 99 वर्ष में यदि विषम दिन की बात करें तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप 99 लिखोगे, फिर 99 बटे में 4 लिखोगे और बटे में 7, ये कितनी बार जाएगा? 24 बार। तो 99 प्लस 24 बटे में 7, 123 बटे में 7, यदि शेष कितना बचा? शेष बचा 4। तो हमें पता चल गया कि 99 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। ओके स्टूडेंट्स, आप कोई भी वर्ष दे दिया जाएगा तो आप विषम दिनों की संख्या आसानी से क्या करेंगे? आप निकाल लेंगे। तो आइए अब देखो, 99 वर्ष में 4 विषम दिन है, तो एक वर्ष में जो विषम दिन होगा हमें पता है कितना होता है? 1 होता है। तो टोटल यदि मैं बात करूं 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 और 1 कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ओके, 200 वर्ष में जो विषम दिनों की संख्या 10, कभी भी विषम दिनों की संख्या 7 से अधिक नहीं हो सकती, तो 7 का भाग देंगे, और 7 का भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो याद रखना है 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5, 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 3। ओके स्टूडेंट्स, 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या है, क्यों? 100 वर्ष में 5, 300 वर्ष में 15, 14 बाहर आ जाएगा तो 1 बचेगा स्टूडेंट्स। ओके, अब देखो 400 वर्ष में
विषम दिनों की संख्या जीरो होती है, और क्यों होती है अभी आपको मैं बताऊंगा। आपको भी रट लेना है कि जो 400वां साल होता है वो लीप वर्ष होता है, और 400 में पंचों के 20, 500 वर्ष में 5 होते हैं तो 400 में 20 हो जाएंगे, और एक एक्स्ट्रा दिन हो गया क्यों, ये लीप वर्ष है, तो टोटल 21 हो जाएगा, और 21 में विषम दिनों की संख्या जीरो हो गया। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं कि सेंचुरी यदि दिया हो, यदि क्या दिया हो, सेंचुरी मतलब शताब्दी, शताब्दी में लीप वर्ष, ये हेडिंग है बच्चों। यदि मैं 2000 की बात करूं, 2000 ये क्या है, ये 2000 वर्ष शताब्दी वर्ष है। यदि मुझे पता करना है कि ये लीप वर्ष है कि नहीं है, तो हम 100 से भाग नहीं देंगे ना 4 से भाग देंगे, हम सीधे भाग देंगे 400 से। यदि ये कट जाता है तो लीप वर्ष है। यदि देखो 1300 है, यदि हम 400 से भाग देते हैं, ये नहीं कट पाता है, तो 1300 क्या है, एक लीप वर्ष नहीं है, तो ये कौन सा वर्ष है, शताब्दी, ये साधारण वर्ष है। ओके, अब आप क्वेश्चन आपके मन में जनरेट हो रहा होगा कि सर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, तो आपके डाउट्स के लिए मैं बता देता हूं कि आपके डाउट्स को कैसे दूर किया जा सकता है। याद करो, अभी मैंने जस्ट 10 मिनट पहले बताया कि हमारी जो अर्थ है शून्य के चारों तरफ रिवॉल्व जो करती है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, इसको हमने 6 घंटा जो माना था। ओके, तो यहां पर जो 5 घंटे 48 मिनट है, जो 6 घंटे हमने मान लिया है, तो 12 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया है बच्चों। यदि 12 मिनट एक्स्ट्रा लिया है तो याद रखना, ये जो है हर 100वें साल जो है 12 मिनट लौटा देता है, हर 99 वर्ष तक लेता है, लेकिन हर 100वें साल जो है अपना जो एक्स्ट्रा दिन आता है ना, वो 12 मिनट जो कर्ज के रूप में लिया रहता है वो लौटा देता है, फिर 200वें साल भी लौटाता है, फिर 300वें साल भी लौटाता है, तो इन 300 साल के पास कोई एक्स्ट्रा दिन आता नहीं है। अंत की मैं बात कर रहा हूँ, 100वें साल, 200वें साल और 300वें साल में कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं बचता है। इसीलिए मैंने क्या किया, स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो बुक्स में क्या दे देता है कि 400 से भाग देते हैं। ये एक्सप्लेन नहीं करता कि क्यों हम 400 से भाग दे देते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि हम 400 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि 100वां साल, 200वां साल और 300वां साल अपना जो 12 मिनट एक्स्ट्रा लिया रहता है उसको लौटाने में व्यय करता है, इसलिए उसके पास एक्स्ट्रा दिन नहीं बच पाता है। लेकिन 400वें साल में उसके पास लौटाने के लिए कुछ नहीं बचता, वो अपना एक्स्ट्रा दिन अपने पास रखता है, इसलिए 400वां साल लीप वर्ष होता है। और 400वां साल लीप वर्ष होता है, इसलिए शताब्दी में लीप वर्ष खोजने के लिए हम हमेशा 400 से भाग देते हैं। तो अब आपको बता दें कि आपको दो चीज याद रखना है। क्या याद रखना है, पहला कि 28 दिन में विषम दिनों की संख्या, ये मंथ है, ये क्या है, तो 28 दिनों में विषम दिनों की संख्या 0, 29 दिन में विषम दिनों की संख्या 1, 30 दिन में विषम दिनों की संख्या 2 और 31 दिन में विषम दिनों की संख्या 3, इतना याद रखना है सिर्फ। और आपको बता दें 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0, तो 800 में भी 0, 1200 में भी 0। ओके स्टूडेंट्स, 1600 में 0, मतलब आप कहना ये चाहता हूं मैं कि कोई भी वर्ष जो 400 वर्ष का मल्टीपल होगा उसमें विषम दिनों की संख्या 0 होगी। ओके, तो चलिए अब क्या करेंगे हम, अब आपको बताते हैं कि कोई डेट दी दिया हो, कोई डेट दिया हो, जैसे आज ही का डेट निकाल लेते हैं, 20 मई 2019 को डे बताना है। ओके, आप कैलेंडर से ना, अपने मोबाइल के कैलेंडर से चेकआउट कर सकते हो, जितना तेज आप कैलकुलेशन करोगे उतना तेज कैलेंडर आपको आएगा। ओके, रटना कुछ भी नहीं है, टारगेट क्या है, टारगेट क्या होगा कि हमें टोटल विषम दिन निकालना होगा, टोटल विषम दिन निकालना होगा। तो टोटल विषम दिन हम किस में निकालेंगे, तो पहले एक फॉर्मेट में बना रहा हूं। देखो, किसी भी कैलेंडर में यदि कुछ भी पूछता है तो कैलेंडर बनता कैसे है, तो सेंचुरी से बनता है, किससे बनता है, शताब्दी से बनता है, कंप्लीट ईयर से बनता है, प्लस मंथ से बनता है, और प्लस डेट जो डे होता है उससे बनता है। सेंचुरी को मैं सी लिख रहा हूं,
ईयर को वाई और मंथ को एम और डे को मैं डी लिख रहा हूं। तो कोई भी कैलेंडर ना इसी फॉर्मेट में होता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से, इसमें सेंचुरी क्या है, सेंचुरी 2000 है। सेंचुरी कितना है, 2000 है। ईयर कितना कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स, 20 मई 2019 में। ओके, 19वां वर्ष अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, याद रखना है 19वां वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप करोगे 18 वर्ष कंप्लीट हो चुका है और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये टोटल मंथ हो गए, ये टोटल क्या हो गए, मंथ हो गए। और डे में कितना जाना है, 20 मई, ये 20 मई, ये हमारा फॉर्मेट बन के तैयार हुआ। स्टूडेंट्स हमारा जो टोटल टारगेट होगा, टोटल 20 दिन कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट कैलेंडर, फ्रॉम फर्स्ट कैलेंडर मतलब जो पहला कैलेंडर बना है वहां से लेकर के आज तक का सभी वर्षों में हमें 20 दिन निकालना होगा। तो देखो 2000 में अभी बताया 400 वर्ष में जीरो होते हैं, तो 2000 वर्ष में कितने 20 दिन हो गए, जीरो हो गए। 18 वर्ष में निकालना है, किसमें निकालना है, वर्ष में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 18 वर्ष में 20 दिनों की संख्या 18 4 22 21 12 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो 18 प्लस लीप वर्ष, मैंने बताया कि ईयर प्लस लीप ईयर बटे में 7, तो ईयर की वैल्यू 18 है, लीप ईयर कितने आएंगे, 4 आएंगे, 7 का भाग देंगे, 22/7 बराबर कितना हो गया, 1। तो 18 वर्ष में कितने भी सम दिन, 1। अभी मैंने ये समझा के बताया लेकिन बार बार मैं बताऊंगा नहीं। जनवरी 31 का होता है तो कितने भी सम दिन, 3 होता है। फरवरी, अब 2019 एक साधारण वर्ष है जिसमें फरवरी 28 दिन का होगा तो 20 दिनों की संख्या 0। मार्च में 31 का होता है, 3 हो गया। अप्रैल में 2 और 20 दिन में कितने 20 दिन, तो 20 दिन में मतलब 20 मई में 20 दिनों की संख्या हम 7 से भाग देंगे, 7 × 2 = 14 होता है और 20 दिनों की संख्या कितनी हो गई, 6। अब देखो टोटल 20 दिन, हमें टोटल क्या निकालना है, 20 दिन, टोटल 20 दिन 1 3 × 1 = 4 3 × 7 × 2 = 9 और 6 = 15 20 दिन आया। 20 दिनों की संख्या कभी 7 से ज्यादा नहीं हो सकती, फिर 7 का भाग देंगे और हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 मैं शुरुआत में कोड बताया था, 1 का कोड मंडे है, आप मैच करा लेना कि 20 मई 2019 को कौन सा दिन पड़ेगा, मंडे पड़ेगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं और आपको अब जरूरत है प्रैक्टिस करने की। स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा। और आइए एक मैं और प्रैक्टिस कराता हूं। चलिए आप बता, आपको बताना होगा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे था जब हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। अब आइए, हमें पता है कि टोटल हमें फर्स्ट कैलेंडर से लेकर के इस डेट तक हमें क्या निकालना है, टोटल 20 दिन, टोटल और डे निकालना है। और निकालने के लिए हमें फॉर्मेट पता है, फॉर्मेट क्या पता है, 1900 लिखेंगे। और देखो ईयर कितने कंप्लीट हुए, 50 में तो अभी चल रहे हैं तो 49 एक कम करके लिखते हैं और जनवरी लिखना है। मंथ तो कोई कंप्लीट हुआ नहीं है तो कितना लिख देंगे, 26 हो गया जनवरी, मंथ एक भी कंप्लीट नहीं हुआ। ये है आपका टारगेट कि सब में 20 दिन निकाल देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। 1900 को तोड़ेंगे 1600 + 300, आपको पता है 1600 में 0, 300 में 1, 49 में लीप वर्ष 12 होते हैं तो 49 × 12 = 61 और 61 में 20 दिनों की संख्या 6 होती है, 56 बाहर हो गया, 5 हो गया। देखो कैसे आया, 49 लिखेंगे और 12 लीप वर्ष लिखेंगे बटे में 7, 49 × 12 = 61 / 7 60/56, शेष कितना बचा, शेष बचा 5, 5 मैंने लिख दिया। और 26 दिन में 20 दिनों की संख्या 5, 5 5 कितना हो गया, 10, 10 और 1 11 नहीं चाहिए, 7 का भाग देंगे 4 आएगा, यही शेष बचा। और 4 का मतलब गुरुवार, 4 का मतलब क्या हो गया, गुरुवार। स्टूडेंट्स आप जो है इसी प्रकार से आप इस वीडियो को एक बार दो बार जरूर ध्यान से देखिएगा और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, दुनिया का कोई भी डेट आप आसानी से इस मेथड की सहायता से आप 20 दिन निकाल सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। हेलो गाइस, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट टीचर्स चॉइस चैनल। क्योंकि टीचर भी इस चैनल को देखते हैं तो आप चैनल पे आ गए हैं तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा।